राइट गाइस, तो यार आज हमारे पास है ये कमाल की एयर गन, जिसे कि यार हमने काफी टाइम पहले खरीदा था खेतों की रखवाली करने के लिए। हालांकि यार अब तो बरसात होती नहीं है तो इसका भी ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन गाइस आज हम सिंपली ये जो एयर गन है इसकी पावर का टेस्ट करेंगे। तो गाइस बेसिकली ये जो एयर गन है इसके अंदर देखो ये वाली बुलेट इस्तेमाल में ली जाती है, देखो बिल्कुल छोटी छोटी सी देखो, और इसके लिए हम सिंपली इसे कुछ इस तरीके से लोड करते हैं। इसे लोड करने के लिए हम सिंपली इसे कुछ इस तरीके से मारते हैं और फिर यहाँ नीचे कुछ इस तरीके से टिका के इस तरीके से करते हैं, और फिर हम सिंपली यहाँ पर ये जो छेद है इसके अंदर ये जो पैलेट है, इसे पैलेट बोला जाता है, इसे इस तरीके से डाल देते हैं। देखो बस इतना ही, और अब हम सिंपली इसे एक झटके के साथ में कुछ इस तरीके से लोड कर लेते हैं। तो गाइज अभी ये लोडेड है, और गाइज यहाँ पर है सिंपली हमारा टारगेट। तो टारगेट के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर 3 कोल्ड ड्रिंक की कैन को रख रखा है। तो चलो इस गन को इसके ऊपर फायर करते हैं। वो गाइज यार देखा आपने, सच में काफी कमाल था यार। देखो आगे की तरफ ये वाली कैन थी, और आप देख सकते हैं कि यहां से ये फट गई है और सिंपली सीधे ही ये यहां से नहीं है, बाहर तो नहीं निकली ये वाली कैन। ऑलराइट गाइस, तो यार बाहर तो निकली है साइड से हाँ यहां पर लगी, और ये साइड से होते हुए सिंपली सीधे ही इसके यहां पर टकरा गई, और आप देख सकते हैं कि उस छोटी सी पैलेट ने इन दोनों कैन को खत्म कर दिया, और ये वाली जो है ये बिल्कुल साबुत बच गई है। लेकिन गाइज काफी अच्छी पावर है, लेकिन अब भी ये उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी कि हमें चाहिए। ऑलराइट गाइज, तो चलो यार इस गन के अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितनी पावरफुल बनती है। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइज, तो यार बेसिकली हम इन पैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं इस एयर गन के अंदर, लेकिन गाइज ये जो पैलेट्स हैं ये काफी ज्यादा नाजुक होते हैं और ये पिचक जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि यार इसकी ये जो नोजल है इसके अंदर ही ये जो पैलेट्स हैं ये पिचक जाते हैं, तो हम इनकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे इन बियरिंग्स का। देखो इनका साइज भी इन पैलेट्स के बराबर ही है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन ये उससे कहीं गुना ज्यादा मजबूत है। और गाइस इसके साथ साथ हम यूज में लेंगे इसका, ये है यार इसे वैसे आम भाषा में कहते हैं सोनी का पत्ता, लेकिन इसे रिंग कैप्स भी बोलते हैं और दिवाली पे ये आसानी से मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर से एक ये जो है टिकड़ी बोलते हैं यार हमारे यहाँ, तो ये निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे तो ये जो बियरिंग है ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से बिल्कुल फिट बैठता है। देखो अब क्या होगा, हम सिंपली इसे इस एयर गन के अंदर डाल देंगे, और जब हम इसके अंदर इसे फायर करेंगे तो इसके अंदर हल्की सी एक चिंगारी क्रिएट होगी, और बिल्कुल जैसी रियल बुलेट होती है बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट होगा। तो चलो देखो इस तरीके से इसे लोड करेंगे, और अब हम सिंपली ये जो है इसे कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। देखो आ गया ना बिल्कुल फिट, और अब हम सिंपली इसे फंस गई लोड कर देंगे। और गाइस इस बार टारगेट के लिए हम ये जो कैन से इनकी मात्रा बढ़ा देते हैं, 2, 3, 4 और ये हो गई 5। ऑलराइट गाइस, तो इस बार हमने सिंपली 5 कैंस का इस्तेमाल किया है, तो चलो अब देखते हैं। राइट गाइस, तो यार अब आया ना मजा,
तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो पांच केने थी पांचों की पांचों किस तरीके से फट चुकी है। गाइस ये रही पहले वाली, जिससे इधर से होते हुए हमारी जो वो बेयरिंग था जिसे हम बुलेट बोल सकते हैं वो निकली। ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, ये चौथी वाली और ये साबुत बच गई है। नहीं गाइस आप देख सकते हैं कि इसके भी यहाँ पर छेद हो चुका है, देखो। ऑलराइट गाइस, तो यार उस वाली एयरगन को चलाने में मजा नहीं आ रहा था, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और इसे चलाने में यकीनन मजा आ गया। ओके गाइस, तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।